नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी एक भ्रांति के बारे में होम्योपैथी की, कि क्या होम्योपैथी में बहुत सारे परहेज करने पड़ते हैं। ऐसे ही क्लिनिक में अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं क्या होम्योपैथी में साइड इफेक्ट होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दरअसल साइड इफेक्ट से मतलब क्या होता है और ये शब्द आया कहाँ से। दरअसल ये शब्द कॉइन किया फार्मा कंपनीज ने आपको बरगलाने के लिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मॉडर्न मेडिसिन की बात पहले करता हूँ क्योंकि ये शब्द मॉडर्न मेडिसिन ने कॉइन किया है, साइड इफेक्ट। आपने एंटीबायोटिक खाई, एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? एंटी बैक्टीरिसाइडल, ये इसका असली मतलब होता है। एंटी बैक्टीरिसाइडल यानी कि बैक्टीरिया को मारने की दवा, इसका काम है बैक्टीरिया को मारना। इस दवा को ये नहीं मालूम है कि गुड बैक्टीरिया क्या है और बैड बैक्टीरिया क्या है। आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी हैं और बैड बैक्टीरिया भी हैं। आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक या एंटी बैक्टीरिसाइडल दी, उसने अपना काम किया, हर तरह के बैक्टीरिया को मारा, बैड बैक्टीरिया मरे, आपकी बीमारी में आराम आया। लेकिन गुड बैक्टीरिया भी मरे, उसकी वजह से क्या हुआ? डायरिया सेट इन हो गया। एंड मोस्ट कॉमन सो कॉल्ड साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स या एंटी बैक्टीरिसाइडल इज डायरिया। इसके लिए हर समझदार एलोपैथिक फिजिशियन आपको अपनी एंटीबायोटिक के साथ एक प्रोबायोटिक देता है, जो कि क्या होता है? गुड बैक्टीरियास। अब आप देखिए क्या कमाल की बात है, एक तरफ एंटीबायोटिक दी जा रही है, एक तरफ प्रोबायोटिक दी जा रही है और दोनों के पैसे आपसे लिए जा रहे हैं। ये विशुद्ध बेवकूफ बनाने की टेक्निक है फार्मा कंपनीज की। और नाम क्या दिया? साइड इफेक्ट। ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये दवा का पूरा इफेक्ट है और ये दवा का एडवर्स रिएक्शन है। सो साइड इफेक्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है मेडिकल साइंस में, आपके दिमाग में फीड कर दी गई है। और फिर आप हमसे पूछते हैं कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं जनाब, होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जब आप होम्योपैथी की दवा देते हैं तो केवल तीन तरह के इफेक्ट होते हैं। नंबर एक गुड इफेक्ट, नंबर दो बैड इफेक्ट, नंबर तीन नो इफेक्ट। बस यही तीन इफेक्ट होते हैं, चौथा इफेक्ट कुछ नहीं होता है। फिर एक और सवाल मेरे सामने आता है, क्या होम्योपैथी में स्टेरॉयड यूज होते हैं? जो सच्चा होम्योपैथ है वो स्टेरॉयड यूज नहीं करता है। जो निकृष्ट कोटि के होम्योपैथ हैं, जो झोला चाप होम्योपैथ हैं, वो स्टेरॉयड यूज करते हैं या करते होंगे, मुझे नहीं मालूम, सुना जरूर है। मैं अपनी जानता हूं, मैंने MBBS किया है, MD करा हुआ है, दोनों एलोपैथी में करा हुआ है, उसके बाद MF किया हुआ है, होम्योपैथी की प्योर प्रैक्टिस करता हूं। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि आप डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए एलोपैथी की दवा लिख दीजिए, तो मेरे पास अलग पैड है, उस पर मैं एलोपैथी की दवा लिखता हूँ। अगर स्टेरॉयड लिखने की ज़रूरत किसी केस में होगी तो मैं एलोपैथी के पैड पे स्टेरॉयड लिख करके दूंगा, पर कभी भी होम्योपैथी में स्टेरॉयड मिक्स करके नहीं दूंगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सो स्टेरॉयड होम्योपैथी में नहीं होते हैं, कोई सच्चा होम्योपैथ स्टेरॉयड होम्योपैथी में यूज़ नहीं करता है, और जो करता है वो इल्लीगल काम है और ऐसे होम्योपैथ को जेल हो जानी चाहिए। ये हकीकत है और हकीकत हमेशा आपके सामने आनी चाहिए। अगर होम्योपैथिक प्रोफेशन में कोई गलत काम हो रहा है तो मैं मुखर रूप से उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर एलोपैथी में कुछ गलत हो रहा है तो मैं मुखर रूप से आपको उसके बारे में बताऊंगा। मैं दोनों का ज्ञान रखता हूं, दोनों की अच्छाइयाँ और दोनों की बुराइयाँ जानता हूँ, और समय आ गया है कि मैं आपके सामने वो चीज़ें रखूँ और पुरजोर तरीके से रखूँ। और अगर आपको
मेरी कही हुई बातें अच्छी लग रही हैं और आपको मज़ा आ रहा है और आपको कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, घंटी बेल आइकन को बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।